नमस्कार फरीदाबाद, मैं शोएब सैफी, आप सभी देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में संत नगर के छठ पूजा वाले घाट पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ओल्ड फरीदाबाद का ये मथुरा रोड। आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर यहाँ पर। संत नगर के छठ पूजा वाले घाट पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है, आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर पिछले कई सालों से, 3-4 सालों से तो देखते हुए हमें हो गया, यहाँ पर लगातार कूड़ा फेंका जा रहा है दुकानों का, घरों का। यहाँ तक कि संत नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपने घरों का कूड़ा ऑन हाईवे मथुरा रोड पर फेंकते हैं। आप देख सकते हैं कूड़े को फेंकने के लिए लोगों ने अलग से ये स्टील की चद्दर और ये पत्थर के ये रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है। लोगों का यहाँ से निकलना पड़ना होता है कई बार इस कूड़े की वजह से। यहाँ पर जो आवारा पशु, गायें, बैल, सांड यहाँ पर खड़े होते हैं, कई बार ऐसा हो गया है कि टक्कर मार दी है उन्हें। लगातार लोगों का यहाँ से निकलना पड़ना होता है। ओल्ड फरीदाबाद के संत नगर के छठ पूजा वाले घाट पर इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं ठीक पीछे अपोजिट साइड में छठ पूजा घाट है। यहाँ पर छठ पूजा का समय भी आने वाला है। सफाई यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर यहाँ पर, लगातार लोग अपनी दुकानों का, घरों का कूड़ा यहाँ पर फेंक कर जाते हैं। आप देख सकते हैं ओल्ड फरीदाबाद के संत नगर में इस वक्त हम लाइव हैं। सीधी तस्वीर आपको पहचान फरीदाबाद के माध्यम से दिखा रहे हैं। मेन मथुरा रोड आप देख सकते हैं। MCF वाले सरकार किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कई वर्षों से यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है लगातार। जितने भी यहाँ पर ये दुकान है, शॉप्स हैं, सब शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं, अपना कूड़ा फेंकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस कूड़े की वजह से बरसात के मौसम में बीमारियां भी होती हैं। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होने का कारण ये कूड़ा बनता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, जहां एक तरफ कहा जाता है फरीदाबाद स्मार्ट सिटी, मेन मथुरा रोड ऑन हाईवे को इतना चमकाया गया है, इतना सुंदर बनाया गया है, उसी के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर यहाँ पर। लगातार तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इसी तरह की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ पहचान फरीदाबाद।